नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। ये हमारा दूसरा लेसन है। पहले लेसन में हमने कुछ बेसिक सीखे थे, कुछ बेसिक जानकारी हारमोनियम की इकट्ठा करी थी। आज का लेसन है आपकी फिंगर्स को कैसे हम हारमोनियम के ऊपर चला सकते हैं, इसके लिए क्या एक्सरसाइज है, क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं। सो टोटल मैं आपको 7 एक्सरसाइज बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक इस वीडियो में एक PDF दिखाई दे रहा है। 7 एक्सरसाइज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इनका सही फिंगर पैटर्न क्या है, कौन सी स्वर के ऊपर कौन सी उंगली लगानी, ये सारा कुछ इस एक्सरसाइज में मेंशन है। और इसका जो लिंक है, इसका जो PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं पहली एक्सरसाइज से शुरू करने जा रहा हूँ। मैं हर एक एक्सरसाइज को 2 बार बजाऊंगा, जिससे आपको पकड़ना होगा कि मैं किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज को कैसे बजा रहा हूँ और उसके ऊपर उंगलियाँ कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। ये लेसन बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरा लेसन आपको समझ में आ गया तो आपके लिए हारमोनियम सीखना बहुत आसान हो जाएगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए देखते हैं। पहली एक्सरसाइज मैंने पहले भी पिछले लेसन में बता रखी थी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। शुरू करेंगे। एक बार और देखेंगे। अभी दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे। हर एक स्वर को 2 बार बजाना है। फिर से देखेंगे दूसरा एक्सरसाइज। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अभी तीसरा एक्सरसाइज। फिर से तीसरा एक्सरसाइज। सा रे गा रे गा मा पा पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा गारे सा। अभी चौथा एक्सरसाइज देखते हैं। सारे गा पा धानी पा धानी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। फिर से देखते चौथा एक्सरसाइज। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धानी पा धानी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे
रे सा। अभी पांचवा एक्सरसाइज देखते हैं। सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। एक बार फिर से। सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। अभी छठी एक्सरसाइज देखते हैं। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। फिर से देखते। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा। अभी सातवीं एक्सरसाइज देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा। फिर से देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा। सो इस तरीके से आपकी टोटल 7 एक्सरसाइज हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका दूसरा लेसन है। अगर आप इन एक्सरसाइज को जिस तरीके से मैंने बजाया इस तरीके से बजाना सीख लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक उंगलियां हारमोनियम के ऊपर बैठ जाएंगे। फिर अपन तीसरे लेसन में चलेंगे और फास्ट करेंगे इन उंगलियों को, क्योंकि हारमोनियम में बहुत स्पीड चाहिए होती है बजाने के लिए, आवाज़ भी मैच करनी है आपको स्वरों के साथ। सो दूसरे लेसन में इतना ही, थोड़ा एडवांस है, पहले लेसन से थोड़ा मुश्किल है। जो लोग बिगनर हैं इस तरीके से जैसे मैंने बजाया इसी तरीके से बजाने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, रिवाइंड करिए, पीछे करके देखिए, सब कुछ करके देखिए और उन एक्सरसाइज को बजाना। आपको उम्मीद करता हूँ ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिए। मिलते हैं तीसरे लेसन के साथ अगली क्लास में। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।